तो यहाँ पे खड़ी हैं गाड़ियाँ और इसमें ही जाएंगे अब साथ में। तो हम पहुँच गए हैं रजनीकांत जी की गाड़ी के पास में और बस एक मोड़ बात हुई है साथ में। तो यहाँ पे रुके हुए हैं सभी लोग, प्रणाम कर रहे हैं। तो पहुंच चुके हैं यहाँ पे बाबा जी की एप के रास्ते पे और यहाँ से निकलेंगे ऊपर को। तो निकलते हैं यहाँ से आगे को, लेट्स गो। और इस शिव तो पैदल पैदल निकल पड़े मस्त करके, इनका एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर सब कुछ बढ़िया बैलेंस में चल रहा है। तो रजनीकांत सर आगे निकल चुके हैं और अब हम उन्हें पकड़ते हैं धीरे धीरे जाके, उनके बराबर चलेंगे और कुछ डॉगीज भी साथ में हमारा साथ दे रहे हैं। और आज इतना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, फिर भी ईश्वर की ऐसी दया है कि अभी पानी रुक गया है। और जो पीछे आप देख रहे हैं ये गगास नदी का पानी है, ये उसकी एक धारा है जो कि ऊपर से आ रही है केव के पास से। लेकिन हम ओरिजिनल गगास नदी आपको दिखाएंगे और वहीं पे स्टोरी भी बताएंगे क्या स्टोरी थी। फिलहाल हम इन पगडंडियों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम उन्हें कैचअप कर पाएँ। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं और चलते हैं, और कुछ हमारे प्यारे डॉगीज भी हमें फॉलो कर रहे हैं जैसा हमने आपको बताया था।
तो बढ़िया से ध्यान हो चुका है और हर जगह शांति छाई हुई है। आप सुन सकते हैं दूर गगास नदी की आवाज़ भी यहाँ पे आ रही है। वैसे तो यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज यहाँ पे है नहीं कोई, कोई ध्यान नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि हम लोगों ने कर लिया है ध्यान ऑलरेडी। तो ये आपको थोड़ा बताने के लिए बाबा जी के बारे में जो लोग नहीं जानते। तो ये वही पवित्र गुफा है जो आप देख रहे हैं, जिसमें महावतार बाबा जी ने लाहड़ी महाशय को 1861 में क्रिया योगा की दीक्षा दी थी। क्रिया योगा एक ध्यान की ऐसी पद्धति है जो कि आपको ईश्वर प्राप्ति कराती है। आप योग उदासन सोसाइटी ऑफ इंडिया से योगी कथामृत बुक जो किताब है परमहंस योगानंद जी की लिखी हुई, वो खरीद सकते हैं। और उसमें आपको महावतार बाबा जी के बारे में, लाहड़ी महाशय के बारे में, श्री युक्तेश्वर जी के बारे में, चमत्कार के नियम के बारे में और ईश्वर प्राप्ति के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। तो वहाँ से आप वो बुक ले सकते हैं, जिसका नाम है योगी कथामृत। और अभी हैं हम महावतार बाबा जी की